वो कभी इस गली में घुसती तो कभी उस गली में। हालांकि अशोक जी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। भागते रहे, इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस बात से पर्दा उठा ही लूंगा मैं। अगले दिन अशोक जी उस लड़की को देने के लिए घर से ही बना खाना लाते हैं। ले बेटा खाना खा ले, आज तू यहीं बैठकर क्यों नहीं खा लेती? वो बाबूजी, वो मैं खा लूंगी आराम से, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर यहीं खा ले, देखो अभी खाना गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी बाबूजी, आप चिंता ना कीजिए। इतना कहकर लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं भी पता लगा कर ही रहूंगा कि ये लड़की आखिर इस खाने का करते क्या है। इतना सोचकर अशोक जी भी तेजी से उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वो लड़की फिर से झुग्गी बस्तियों की तरफ मुड़ती है और उन्हीं घुमावदार गलियों से गुजर कर जाने लगती है। आज अशोक जी ने भी ठान लिया था कि वो भी पता लगा कर ही रहेंगे कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। अशोक जी भी उसका पीछा करते हुए उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां की टूटी खिड़की से झोपड़ी के अंदर झांक कर देखने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन, कुछ गंदे कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे। अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी। उसके पैरों के पास जमीन पर 7-8 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की जब खाना लेकर अंदर घुसी तब उस लड़के ने कहा, माँ माँ दीदी खाना लेकर आ गई। चारपाई पर पड़ी उनकी माँ भी किसी तरह उठकर बैठ गई और बोली, अरे कैसी किस्मत है मेरी, तेरे बापू का सपना था अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ाना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती। 2 रोटी के लिए मेरी बच्ची को ना जाने कहां कहां भटकना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भला है। कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, बस तू ठीक हो जा, भगवान ने चाहा तो मैं और बबलू एक दिन फिर से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयां खा, नहीं तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर वो लड़की अपने हाथों से अपनी माँ और भाई को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर बाहर खड़े अशोक जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उसे देखते ही लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी आप। मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी उनकी नजर वहां पड़े स्कूल बैग पर पड़ती है। अरे वाह, तुम लोग स्कूल भी जाते हो?